नमस्कार दोस्तों, मैं कौस्तुभानंद पाठक एक बार फिर आप लोग के सामने आ गया हूँ एक और नई वीडियो को लेके। मित्रों, आज मैं पहुँच चुका हूँ सत्कार होटल, जहाँ पर मुकेश जी की 100वीं जन्मतिथि है। मेरे साथ इस बीच पहुँच चुके हैं नानू बिस्टर, जो कि उत्तराखंड के टॉप एंकर है। मेरे साथ ये जुड़ चुके हैं भाटकोट में। और धन्यवाद पाठक साहब, धन्यवाद। निश्चित रूप से पाठक जी, आपके वीडियोस पूरे हर जगह वायरल हो रहे हैं भाई, हजारों लाखों हमारे उत्तराखंड वासी और बाहर के लोग भी देख रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और आज हम मौजूद हैं, जैसे कि पाठक साहब ने बताया, महान गायक मुकेश साहब की, जिनके प्यारे प्यारे गीत हम ओल्ड इज गोल्ड में सुनते थे, आज उनकी 100वां जन्मदिन हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और आपको आमंत्रित किया। और सौभाग्य की बात है कि हजारों लाखों वीडियोस इसको देखेंगे। जी पाठक जी, तो पाठक साहब आज भी तो सब इतना अच्छा गाते हैं, तो अगर एक गीत होकर हो जाए, एक लाइन हो जाए पाठक जी, न तुम हमें जानो, आइए एक लाइन ही हो जाए। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। नानू जी, आप तो हर जगह एंकरिंग करने के लिए जाते हैं, हर जगह आपको आमंत्रित किया जाता है, आप उत्तराखंड की शान हैं। आप आज ये मुकेश जी की 100वीं जयंती पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि साहब, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मुकेश साहब की आवाज़ के बारे में क्या कहें साहब, गोल्ड इज़ गोल्ड यूं ही उन्हें नहीं कहा जाता है। तो मुकेश जी अपने पीछे बहुत प्यारे बेहतरीन गीत छोड़ गए हैं, जो आज हम यहाँ गाने वाले हैं। लाइव भी चलेगा और कैरोके ट्रैक के माध्यम से भी चलेगा, जैसे मैं आवारा हूँ, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, चल अकेला तेरा पीछा छूटा, तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के चार स्तंभों में मुकेश जी का नाम भी बिल्कुल नंबर वन पे लिया जाता है। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल पाठक जी, बिल्कुल लिया जाता है, क्योंकि मुकेश साहब ने देखिए ज़्यादातर आवाज़ें जो दी हैं, राज कपूर साहब को दी हैं, देवानंद जी को दी हैं, और बहुत से ऐसे कलाकार हैं उनको अपनी आवाज़ें, मनोज कुमार उनको भी अपनी आवाज़ उन्होंने दी है। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं राज कपूर साहब के, 99.9% जो उनकी फिल्में हैं उनमें ज़्यादातर मुकेश साहब से ही पार्श्व गायक के रूप में बैकग्राउंड में उन्होंने गाया है, जैसे कि डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा हो गया, और मेरा जूता है जापानी, इस तरह के बहुत सारे गाने हैं जो आज हम यहाँ लाइव सुनने वाले हैं। और पाठक जी, उसको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में पेश करेंगे। जी, नंबर वन है साहब, आप बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। जी जी, तो मिलते हैं बस कुछ देर में। अच्छा, हमारे बीच में सर प्लीज़ रवि सर एक मिनट के लिए, क्योंकि आप बिजी हैं। आइए सर। हेलो। हमारे बीच में नाथभेद संगीत विद्यालय के परम आदरणीय गुरुजी महाराज रवि शास्त्री सर यहाँ मौजूद हैं। सर, इस वक्त हम पाठक जी के चैनल में हैं और बहुत उनके वीडियोस हजारों लाखों लोग देखते हैं, तो रवि सर की भी हम लाइव परफॉर्मेंस देखेंगे। आप नाथभेद संगीत विद्यालय के गुरुजी हैं और हजारों बच्चों को अभी यहाँ से शिक्षा आप लोगों ने सिखाई है, और क्लासिकल पे आप ज़्यादातर काम कर रहे हैं, सर को भी हम सुनेंगे। धन्यवाद सर, शायद बिजी होंगे सर। तो पाठक साहब, आज मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से इसे आप जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा और जन जन तक ये पहुँचाएँ कि आज मुकेश साहब की पुण्यतिथि पर हम पेश करेंगे। और आप भी तो सर, ये मेरे साथ थे आज उत्तराखंड के नंबर वन एंकर श्री नानू बिस्ट जी। नानू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उनको मेरा प्रणाम है।